हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ऑल द बेस्ट, और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी बार बार यही क्वायरी आ रही थी कि क्या मैम यहाँ पर सभी को क्वार्टर मिल रहे हैं, वर्कलोड कितना है, टाइमिंग क्या है स्कूल की। तो देखो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपको जो है जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। फ़िलहाल तो देखो, वर्कलोड की बात अगर कही जाए तो जैसा कि ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी वर्कलोड यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अब वो पहले वाली बात नहीं है, और कुछ यहाँ पे जो है रेजिडेंस स्कूल है तो जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वहीं पर रहते हैं, खाना खाते हैं, उनकी सारी हर एक जिम्मेवारी होती है, और कई सारी जैसे कि गार्ड की हो गई या कई पोस्टें ऐसी हैं जिन पे अभी तक टीचर्स नहीं आए हैं, तो वो काम भी जो है यहाँ का जो स्टाफ है उन्हीं को आपस में मैनेज करना होता है। तो स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, और आगे कई सारे बच्चे जो है कमेंट कह रहे थे कि अभी तो चैलेंजेस की शुरुआत हुई, अभी आगे और भी चैलेंज आएंगे। तो देखो, जॉब करने आए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जो भी चैलेंज आएंगे उन सबको अच्छे से हंस के एक्सेप्ट करेंगे और कंप्लीट करने की अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। और रही बात क्वार्टर्स की, क्या सभी को क्वार्टर्स मिल रहे हैं? जी नहीं, इतने क्वार्टर्स यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं। तो कुछ को मिल चुके हैं, कुछ अभी बनने बाकी हैं जो जिन पर काम चल रहा है। तो कुछ कैंडिडेट्स जो है बाहर बड़वानी, क्योंकि यहाँ पर बड़वानी ही डिस्ट्रिक्ट पास में है, पास में तो क्या है 4-5 घंटे का, उसके बीच में कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है कि भाई कहीं बीच में ले सके, तो वहाँ पर लेने की बात की जा रही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक में कई, क्योंकि फैमिली के साथ आए हुए मेंबर, हम भी फैमिली के साथ आए हुए, तो बहुत सारी फैमिली को साथ में लेके आए हुए, तो ऐसे एडजस्टमेंट नहीं हो पाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ एडजस्टमेंट होगी, फ़िलहाल तो यही है। और स्कूल की टाइमिंग की बात अगर की जाए तो स्कूल की टाइमिंग जो है 10:30 to 4:30, लेकिन टीचर्स को 10 बजे जाना होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको जिम्मेवारी होती है अच्छे से क्लासेस में अपनी अरेंज कर ले या फिर लाइन में आए, तो बहुत सारे जो है जब आप ज्वाइन करोगे आपको पता चल भी जाएगा। और जो कई सारे बच्चे हैं उनके कमेंट भी आए थे, देखो कई स्कूल तो यहाँ पे तो हमारे इतना ज़्यादा है नहीं, देखो वर्कलोड तो है ही, ठीक है, कुछ क्वार्टर्स की भी कमी है, और उसके साथ साथ मार्केट भी दूर है, प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम उस चीज़ को बिल्कुल ही ये मान ले कि बिल्कुल यहाँ पर तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं, जैसे आज एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, क्वार्टर्स भी नहीं मिले हैं, रेंटल स्कूल है, ठीक है, और काफ़ी दूर हमने रूम लिया है जिससे 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, कैसे स्ट्रगल करें, कैसे सर्वाइव करें? तो देखो, अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, थोड़े से दिन में एडजस्टमेंट की आदत हो जाएगी, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, ठीक है। तो वही है जो अपने घर की लाइफ होती है, वैसी तो लाइफ नहीं है, बट यही है, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, क्या कुछ। और बहुत ही ज़्यादा देखो, काम तो बहुत है, ठीक है, बहुत काम है फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। और बाकी जब फुल स्टाफ हो जाए, क्योंकि एक दिक्कत हमारे स्कूल में ये भी आ रही है कि सारा का सारा नया स्टाफ है, कोई भी कैंडिडेट्स पुराना नहीं है, और अभी तक प्रिंसिपल नहीं की ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो उसके बाद जो है, जब क्योंकि सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें काम डिवाइड हो जाएगा, तो ये है कि स्टाफ का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ज्वाइन हुए हैं वो अभी इतना स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। और कुछ यही है कि भाई अपनी छुट्टी लेकर के अपना सामान वामान लेने के लिए भी गए हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग तो ले ली है लेकिन छुट्टियों पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आगे आके जैसे कम्प्लीट स्टाफ हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, तो ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइमिंग जो बच्चे पूछ रहे थे, तो देखो टीचर्स के लिए तो 10:43 है, यानी कि 10 बजे जाते हैं, 4:30 बजे छुट्टी होती है, और कई बार जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है, तो एक दिन तो हम 5:30-6 बजे भी आए थे, ठीक है।
तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग है भाई, हर एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जितनी कोशिश की जा रही है ताकि सभी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो जो हमारी यहाँ पे बीओ मैम है, वही सब हर एक चीज़ को जो है बच्चों को स्टाफ को बताने की कोशिश कर रही है ताकि उनको बाद में दिक्कत ना आए। तो देखते हैं आगे क्या कुछ पॉसिबल हो पाता है। फिलहाल जितना हमसे बन पाया है भाई पूरी बताने की कोशिश की गई। और जो बच्चे कह रहे थे कि जीएससी का क्वार्टर्स की और मैम लाइब्रेरी की ज़रूर वीडियो बनाइएगा, तो लाइब्रेरी की तो होप सो आज मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बता सकूँ कि लाइब्रेरी कैसी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जीएससी का मैंने अभी तक यहाँ पर क्वार्टर नहीं देखा है, कहाँ है पता नहीं, आज मैं पूछूँगी कन्फर्म करूँगी। अगर जीएससी का अलग से क्वार्टर होगा तो उसकी भी आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में क्वेरी है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और रही बात स्ट्रगल की और कॉम्प्रोमाइज़ की, तो देखो ये पहले ही मेंशन था कि भाई हिल्स एरिया है, क्योंकि एसटी कास्ट के बच्चे आते हैं और बिल्कुल जो है ऐसी जगह पे बने हुए हैं हर एक स्कूल, ठीक है, कोई एक स्कूल नहीं। ये बस ये है कि थोड़ा सा कोई एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ही अनडेवलप है, कुछ एरिया ऐसे हैं जो थोड़े से डेवलप हैं जहाँ पे प्रॉब्लम कम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम सभी को आ रही है, कोई एक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सभी को आ रही, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन यही है, थोड़े से दिन यहाँ पे रहेंगे, एक बार सारा सामान मैनेज हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कब क्या चीज़ अवेलेबल होती है, कब कहाँ से क्या कुछ लेना होता है। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ्स की बात है। एक बार ये टाइम चला गया ना आपका, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप बिल्कुल यहाँ पर, अगर आपने ये 1 महीना 2 महीने निकाल लिए तो फिर आप यहाँ पर एडजस्ट अच्छे से हो पाओगे और फिर आप बताना कि आपकी लाइफ कैसी है, ठीक है। लेकिन एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम दीजिए। जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नहीं किया जा रहा है इतना ज़्यादा, ऐसे कैसे हो पाएगा, तो 1 महीना 2 महीना आप अपने इस काम को दीजिए और फिर देखना आपकी सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और थोड़ी मोटी ये तो देखो जी, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ का पार्ट होती हैं, ये तो आती ही रहेंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लाइब्रेरी की, कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है। और बाकी स्कूलों का तो देखो हमें पता नहीं, हमारे यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है वो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम पंखे हैं जी, देखो पंखे हमारे रूम में तो हमारे क्वार्टर में तो लगे हुए थे, पीजीटी वालों में, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टाफ था, तो देखो यहाँ पे सभी में लगे हुए हैं। और जो बच्चे जो हॉस्टल है वहाँ से हमें गद्दे वगैरह भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। वैसे कह रही थी मैम कि भाई अपना अरेंज कर लेना, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, फिर अपने अरेंज कर लेंगे, शायद इनको वापस ले जाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि भाई 10-15 दिन एक बार एडजस्ट में लगेगा, तब तक हमें चीज़ अवेलेबल करवा दी गई है। और खाने की रही बात, भाई 1-2 दिन खाना मिला था, उसके बाद जो है अपना खुद का ही अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो वो खाना यहाँ टीचर्स के लिए नहीं होता, क्योंकि फैमिली भी लेके आए हुए हैं, तो बच्चों का खाना बनता है, इसीलिए जो है बाहर से आप अपना इतना मैनेज करके चलिएगा कि अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो कुछ तो कम से कम बना सके। जैसे हम इंडेक्स लेके आए थे, उसके साथ साथ अपने चावल्स वगैरह अपने साथ में लेके आए थे कि खाना ना मिले तो कम से कम ऐसा तो ना हो कि बिल्कुल ही भूखे तो कैसे काम हो पाएगा, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा। और स्ट्रगल तो बहुत है वही, लेकिन ये है कि अगर चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, हंस के करोगे, तो हर कुछ पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे कह रहे थे कि मैम आपके स्कूल में ये है, हमारे में ये नहीं, भाई सभी के में ये है, सारी सच्चाई जो है ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं, लेकिन सबको पता है कि भाई चैलेंज है, लेकिन उनको एक्सेप्ट तो करना ही होगा। गवर्नमेंट जॉब जो करनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट होने में, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।